भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 मुकाबला आज फ्लोरिडा के लॉडर हिल में खेला जाएगा। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे की शुरुआत आज से कर रही है, जहां पर शुरुआती दो मुकाबले आज अमेरिका के फ्लोरिडा के लॉडर हिल में खेले जाएंगे, वहीं सीरीज का तीसरा मुकाबला वेस्टइंडीज में होगा। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम पहले मुकाबले के लिए लगभग पूरे तरीके से तैयार है। भारतीय टीम में कई धाकड़ खिलाड़ी टीम में शामिल हो सकते हैं। बता दें आपको कि T20 फॉर्मेट में कई दिनों से ये बात चल रही थी कि भारतीय टीम को काफ़ी बदलाव करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं अब भारतीय टीम बदलाव करेगी। अगले साल वर्ल्ड T20 को देखते हुए ये बात तो तय मानी जा रही है कि भारतीय टीम इस बार पूरे बदलाव के साथ उतरेगी। बताया जा रहा है कि आज भारतीय टीम के पहले मुकाबले में 5 धाकड़ खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा और इसे आप सीधा सोनी नेटवर्क पर देख पाएंगे। वहीं अगर टीम की बात की जाए तो भारतीय टीम की तरफ से इस बार विराट कोहली टीम के कप्तान होंगे, यानी कि आज हो सकता है कि रोहित शर्मा मुकाबला ना खेलें क्योंकि वो चोटिल हैं, लेकिन लगभग जिस तरह से उनकी फिटनेस लास्ट नाइट सामने आई है तो रोहित शर्मा और शिखर धवन खेलते हुए नजर आएंगे, ये बात पक्की है। 3 नंबर पर विराट कोहली नजर आएंगे, 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर को मौका दिया जाएगा। श्रेयस अय्यर को थोड़ा लॉन्ग टाइम बल्लेबाज के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि मिडिल ऑर्डर मजबूत करना है। 5 नंबर पर मनीष पांडे और 6 नंबर पर ऋषभ पंत को यहाँ पर मौका दिया जा सकता है, यानी कि 2 नए खिलाड़ी तो यही हो गए, श्रेयस अय्यर और मनीष पांडे। उसके बाद कृणाल पांडे 7 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे और रविंद्र जडेजा 8 नंबर पर, क्योंकि विकेट थोड़ा सा स्पिन होगा लॉडर हिल में। हालांकि आज जमकर रनों की बारिश देखने को मिलने वाली है, पिच बिल्कुल फ्लैट नजर आएगी। पिछली बार जब यहां मुकाबला हुआ था तो 245 रन वेस्टइंडीज ने किए थे और भारत उस मुकाबले को सिर्फ 1 रन से हारा था। केएल राहुल का बेहतरीन शतक था वहां, लेकिन आज शायद केएल राहुल को मौका ना मिले। और उसके बाद 9 नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर आज खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भारतीय टीम ऑलराउंडर्स को भी बढ़ाना चाहती है। 2 तेज गेंदबाजों की बात की जाए तो नवदीप सैनी और खलील अहमद आज का मुकाबला खेलते हुए नजर आएंगे, यानी कि अगर आज 4 खिलाड़ी जो मैच से बाहर रह सकते हैं उनका नाम है केएल राहुल, राहुल चहर, भुवनेश्वर कुमार और दीपक चाहर। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम किस तरीके का प्रदर्शन करती है पहले T20 मुकाबले में। ANP न्यूज रूम से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।